अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेहंदी ड्रेसेस, बहुत कलरफुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत वैरायटी है इसमें। इसमें आप देखेंगे येलो कलर के साथ कम्बिनेशन, उसके अलावा मल्टी शेड देखेंगे, उसके अलावा डिफरेंट स्टाइल्स देखेंगे, उसके अलावा डिफरेंट इस पर वर्क देखेंगे, जैसे मिरर वर्क, उसके अलावा गोटे का काम हो सकता है, उसके अलावा आप इसमें किरण वगैरह दुपट्टे पे लगा सकते हैं, डिफरेंट लेसेस लगा सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और लाइट और डार्क कलर का कम्बिनेशन करवा सकते हैं, या फिर अगर आपको डार्क कलर्स नहीं पसंद तो आप लाइट कलर्स का, दो तीन कलर्स का कम्बिनेशन कर सकते हैं, या आपको लाइट कलर नहीं पसंद तो आप मेहंदी के लिए, मेहंदी पे आमतौर पर डार्क कलर्स ही यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए आप डार्क कलर्स का कम्बिनेशन कर सकते हैं, और आप मल्टी शेड भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी लेकर आई हूँ, जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह भी आपको पसंद हो, आप उस तरह से अपना ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट स्टिचिंग स्टाइल्स हैं, लाजमी नहीं है कि आप मेहंदी पे लहंगा या शरारा पहने, कुछ भी आप कुछ और अगर पहनना चाहते हैं, आप फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक पहन सकते हैं, आप शॉर्ट फ्रॉक पहन सकते हैं, आप चूड़ीदार पजामा पहन सकते हैं, उसके अलावा आप लहंगा पहन सकते हैं, आप अम्ब्रेला फ्रॉक पहन सकते हैं, डिफरेंट आपके पास चॉइसेस है। ये अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप ने पहले ऐसा होता था कि मेहंदी पे लड़कियां लहंगे पहनती थी, तो अब ये ट्रेंड चल पड़ा है कि शरारा या गरारा पहना जाता है, तो आपके अपनी चॉइस है, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप शरारा या गरारा भी पहने, आप लॉन्ग फ्रॉक भी पहन सकते हैं, इट्स अप टू यू। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिज़ाइन है, आई होप आपको सारे के सारे पसंद आएंगे। इसके अलावा आप शलवार कमीज़ पहन सकते हैं, ये देखें शलवार कमीज़ भी बहुत अच्छी लगती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप को अगर शलवार कमीज़ पसंद नहीं पसंद है तो आप कुछ और ही पहने। ये देखें ये फ्रॉक के साथ है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जस्ट आइडियाज़ हैं, आप यहाँ से आइडिया लें और अपनी मर्ज़ी का, अपनी फ्रीजी के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।